टेनिस स्टेडियम में कोचिंग ले रही एक 17 साल की टेनिस प्लेयर के साथ उसके कोच द्वारा ही देश शोषण का मामला सामने आया है। दरअसल नाबालिग ने ज्योति नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। सोढाला निवासी पीड़िता ने शिकायत में लिखा कि पिछले करीब एक साल से SMS स्टेडियम में कोच गौरांग नलवाया के पास टेनिस खेलने के लिए वो कोचिंग करने जा रही थी और उस दौरान कोच गौरांग ने अच्छी परफॉर्मेंस दिलवाने में मदद और टेनिस में आगे बढ़ाने का झांसा देकर उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद ट्रेनिंग के बहाने उसे उदयपुर ले गया, वहां भी उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। शुरुआत में बदनामी के डर से उसने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब परिजनों ने उसके बदले हुए व्यवहार का कारण पूछा तब जाकर उसने अपनी आपबीती बताई। ज्योति नगर पुलिस ने फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी सरोज धायल मामले की जाँच कर रही है। कोच है उनके पास एक बच्ची नाबालिग बच्ची थी जो टेनिस खेलने के लिए आती थी। ये 2019 में उसने ज्वाइन किया था और उसके बाद से कंटिन्यूसली बच्ची और उनके पेरेंट्स का कहना है कि टूर्नामेंट के बहाने जयपुर से बाहर भी लेके जाते थे। लेटेस्ट घटना उदयपुर की बताई गई है जो फरवरी मार्च 2021 की टूर्नामेंट के बहाने ले जाके उसके साथ बाहर रेप किया। सख्ती चल रही है और उनको भी राउंड अप करने की ट्राई कर रही है। तो राजधानी जयपुर का यह मामला है जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। शरद पुरोहित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, टेनिस प्लेयर के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, फिलहाल अपडेट क्या है इस पूरी खबर पर? देखिए, इस में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जो थाना प्रभारी है सरोज धायल उनको इस पूरे मामले की जाँच दे दी गई है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट से जुड़ा मामला है तो इसमें CI लेवल के अधिकारी पूरे मामले में जांच कर सकते हैं। 17 साल की ये लड़की है जो कि टेनिस सीखने के लिए SMS स्टेडियम, जो राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम कहा जा सकता है, इसमें जाया करती थी और वहाँ के जो कोच है उन्होंने इसके साथ में इसको कई तरह का परफॉर्मेंस दिलवाने और अलग अलग तरह के झांसे देकर के इसके साथ में दुष्कर्म किया और उसके बाद में इसको उदयपुर भी ट्रेनिंग के बहाने लेकर गया था और वहां ले जाकर भी इसके साथ दुष्कर्म किया। और शुरुआत में लड़की डरी हुई थी, अपने परिजनों को ये बात नहीं बता पाई, लेकिन घर में जब ये इसका व्यवहार बदला हुआ लगा तब परिजनों ने इसको सख्ती के साथ पूछा, तब इसने पूरी घटना बताई और परिजनों ने अपने साथ में ले जाकर फिर ज्योति नगर थाने में FIR दर्ज करवाई है। तो